In this poem, the poet is trying to tell what a common man do in their daily lives is same as what a millionaire or a king or a president will do in their daily lives. जो चीज़ें एक आम आदमी अपने दिन में करता है वही चीज़ें मोस्टली जो पावरफुल लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं और वही चीज़ें करते हैं. राइट, एवरीडे थिंग्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकती हैं, जैसे नहाना, ब्रश करना, बाल कुंभ करना, क्लोथ्स चेंज करना, खाना खाना. दीज आर द एवरीडे थिंग्स एंड दीज आर सिमिलर टू एवरी वन ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड. राइट, इट डजेंट मैटर दैट द पर्सन इज अ कॉमन मैन और अ पावरफुल और अ रिच मैन. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. मिलियनेयर, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलोंग विदाउट एवरीडे थिंग्स. वर यू प्रेसिडेंट, किंग और मिलियनेयर, यू वुड यूज अ कॉम टू कॉम्ब योर हेयर. आप मिलियनेयर हो, प्रेसिडेंट हो, किंग हो, कोई भी हो, आप अपनी रोज की चीज़ों से नहीं बच सकते. राइट, आपको अपने बाल कॉम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कॉम की ही ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे वो मिलियनेयर हो. इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप एंड यू वुड हैव टू ईट, इफ यू वॉन्टेड टू ईट, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट. वाइल योर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रॉबेबली बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफी और टी. अगर आप अपने आप को साफ रखना चाहते हैं तो आप किससे नहाएंगे, वाटर और सोप से ही नहाते हैं. खाना खाएंगे तो क्या खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फिश खाएंगे, मीट खाएंगे. राइट, अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं फॉर द ब्रेकफास्ट तो आप क्या पियेंगे, मिल्क, चॉकलेट, कॉफी और टी. राइट, यू वुड हैव टू वेयर, यू कुड हार्डली रिफ्यूज, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स, स्टॉकिंग्स एंड शूज. इफ यू विश टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट यू वुड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट. And you couldn't sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. आपको, आप सभी को कपड़े पहनने होते हैं, चाहे वो कॉमन मैन हो चाहे वो रिच मैन हो, अंडर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ, सबके लिए नेसेसिटी है. अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप किसी पेंसिल से करेंगे, आप कुछ साइन करना चाहते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होगी, पेन और इंक की. राइट, ऐसा तो नहीं है कि मिलियनेयर्स कुछ और यूज़ करते हैं लिखने के लिए, वो भी पेन ही यूज़ करते हैं. राइट, If you wanted to read, you would sure to look at newspaper, magazine or a book. And if it happened that you were ill, you would down some oil or choke on a pill. अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप क्या पढ़ोगे, newspaper, magazine or a book. अगर आप बीमार हैं तो आप क्या खाएंगे, दवाई ही खाएंगे. Right? If you had a cold, I can only suppose you would use a handkerchief for your nose. When you wanted to rest your weary head, like other folks, you would hop into bed. Millionaires, presidents, even kings can't live without everyday. अगर आप बीमार हैं या आपको सर्दी हो रही है तो आप किसका यूज़ करेंगे अपनी नाक पोंछने के लिए, रुमाल का, हैंडकरचीफ का. अगर आप थक गए हैं, आप टायर्ड हैं, आप आराम करना चाहते हैं तो आप किस में सोएंगे, बेड पर. राइट, और मिलेनियर्स, प्रेसिडेंट्स और इवन किंग्स वो भी यही सब चीज़ें करते हैं, दे ऑल्सो कांट लिव विदाउट दिस एवरी डे. सो द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इवन थिंग्स कांट, इवन किंग्स कांट लिव विदाउट नीड टू यूज दीज थिंग्स. दीज एवरी डे थिंग्स आर नीडेड बाय एजेंशली इन आवर डेली लाइफ, वेदर इट इज अ मिलेनियर, अ प्रेसिडेंट और इवन अ king. Okay, I hope you understood the summary of this poem.